नमस्कार, मैं रोशन हूँ, आपका स्वागत है। मित्रों, आज राजनीति की खबरें ज़्यादा हैं क्योंकि आज कई तरीके की राजनीति हुई है और उन सबसे ऊपर राम मंदिर को लेकर बड़ी राजनीति हुई है। आपको पता है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंदिर में, यानी जो राम मंदिर नया बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके लेकर जो राम मंदिर जन्मभूमि न्यास है वो सभी लोगों को, यानी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के और देश के जाने माने लोगों को, फिल्म के, क्रिकेट के और भी अन्य क्षेत्रों के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या आए। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री को उसको उद्घाटन करना है, लेकिन उसमें ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण सोनिया गांधी को भी भेजा है, राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी और मल्लिकार्जुन खड़गे को और सीताराम येचुरी और ऐसे सभी लीडर को भेजा है। तो ये जो राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन है, जिसे बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि 2024 का चुनाव होगा वो राम मंदिर के इर्द गिर्द होगा, तो उन्होंने इसमें विपक्ष को फंसा दिया है। विपक्ष को कहा कि आप भी आओ, और प्रधानमंत्री के फंक्शन में विपक्ष कैसे जाएगा? अगर वो नहीं जाता है तो फिर बीजेपी वाले प्रचार प्रसार करेंगे कि ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए, ये हिंदू विरोधी है। तो विपक्ष फंसा हुआ है इसमें। सीपीएम ने तो साफ कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सीपीएम की आइडियोलॉजी के खिलाफ भी है, वो किसी देवता उवता को नहीं मानते। लेकिन कांग्रेस तो अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर चलती है, तो कांग्रेस का ना आना ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगा। हालांकि लॉजिकली उनको नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि वो सरकारी फंक्शन में, और सरकारी फंक्शन में नहीं है, वो एक ट्रस्ट का फंक्शन है जिसमें प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम को दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबको फंसा के रखते हैं, ऐसा स्थिति खड़ी कर देते हैं कि दूसरा जो अपोजिट जो आदमी है वो फंस जाता है कि अब हाँ बोलिए या ना बोलिए। इसमें कांग्रेस फंस गई है क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलती है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि गेट तो कांग्रेस ने ही खुलवाए थे, तो अब इसमें सोनिया गांधी ने भी हाना नहीं बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाना नहीं बोला, लेकिन सीताराम येचुरी ने मना कर दिया। तो देखते हैं कि इसमें 22 जनवरी आते आते तक इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। और आज राम मंदिर न्यास ने फोटो रिलीज किए, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तो उसकी फोटो, भव्य फोटो आई है। राम मंदिर के जो प्रथम तल है वो बनकर तैयार है, आने के उस पर फाइनल टच नहीं हुआ है, और फाइनल टच लगता है कि जो उद्घाटन होगा उसके बाद ही फाइनल टच हो पाएगा, उससे पहले तो होगा नहीं। जिस तरह से वहाँ अभी सब कुछ बिखरा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए, क्रेन लगी हुई है, तो अभी ग्राउंड फ्लोर भी ठीक से नहीं हुआ है। तो फोटो रिलीज हुई है, उन फोटो को देख के बहुत तसल्ली हुई है कि राम मंदिर ठीक से बन रहा है, जैसे प्लानिंग से और समय के हिसाब से भी, क्योंकि 2024 से पहले प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना था, क्योंकि चुनाव है 2024 में, और जो ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा था, और ये इस एजेंडे को आप समझिए कि कम से कम 73-74 साल हो गए हैं जब से राम मंदिर बनाने की बात चल रही थी, और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने 87-88 से इसको अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था। बीजेपी ने भी पालमपुर में जो 88 में कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें शामिल कर लिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे, उसी जगह बनाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि कितना भयानक आंदोलन चला, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की और उस रथ यात्रा को लेकर 92 में अयोध्या पहुँचे थे, और 6 दिसंबर को कारसेवक है उन्होंने जो विवादित ढांचा था, जो मंदिर के ऊपर होना था, उसको ढहा दिया। बड़ी इसमें खबरें बनी, बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खबरें बनी, सब लोग कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन उसमें जो सरकार थी उस वक्त पीवी नरसिंह राव की, वो सरकार के खिलाफ भी गए और लोगों ने
कल्याण सिंह उसमें सीएम थे, कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी। उसमें फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकार भी गिरा दी थी। तो इस तरह से ये बड़ा एक राजनीतिक मामला रहा, लेकिन अब क्लियर हो गया है। राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ और अब वहाँ निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जाएंगे और अभी 2 दिन पहले यानी 22 और 23 को बीजेपी की पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 414 सीटों से अधिक सीटें लेनी है और 51% से अधिक वोट लेनी है, तो इसलिए वो इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। और राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी की हुई है, बुकलेट लेके जाएंगे, गांव-गांव बुकलेट बेचेंगे राम मंदिर आंदोलन को लेकर, और मंदिरों में भजन संध्या की जाएगी, लाइटिंग की जाएगी, जैसे दिवाली मनाते हैं ऐसे जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो 21 दिसंबर को सारे देश में दिवाली मनाई जाएगी और 22 को फिर उद्घाटन होगा। तो उस दिन भी मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजेंगे और लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई। तो बीजेपी आरएसएस ने बहुत बड़ा इसमें इंतज़ाम किया है, तो उस इंतज़ाम के लिए तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, वो सब इस पर दिन रात लगे हुए हैं। तो उद्घाटन होगा, भव्य उद्घाटन होगा, जिसमें देश विदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है। अपने देश के तो जितने महान हस्तियां हैं उनको बुला के, विदेशों से भी हस्तियों को बुलाया जा रहा है, और अमेरिका से बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान से भी कोई आया है आएगा। और इसी तरह से जो वस्त हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग, मतलब आज ही मैं वीडियो देख रहा था कि एक यंग लड़की जो बम्बई से पैदल चल पड़ी कि मुझे राम मंदिर के दर्शन करने। तो इस तरह से ये जो मामला है, ये राम मंदिर ये कोई हिंदुओं का मामला नहीं है, देश की एकता का मामला है, देश की अखंडता का प्रतीक है। तो इसमें सभी धर्मों के लोग इसमें जा रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर जो राजनीति चल रही है, वो मुझे लगता है कि मंदिर बनने के बाद वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक हो जाएगी, क्योंकि विवाद तो 75 सालों से विवाद चल ही रहा था। अब उस विवाद को कानूनी तौर पर ख़त्म करने की जा रही है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें हैं। मित्रराज, एक और इशू है कि जो क्षेत्र में तो नहीं जाएंगे, उसमें यीशु ने राम और रामत्व की ओर लौटना लौटने की आह्वान किया था, कि जैसे जो सीपीएम की ऑफिस मीटिंग चल रही थी, लेकिन इधर से कुछ लोग चले गए बीजेपी की तरफ से उनका कार्ड देने के लिए, तो उन्होंने लेने से एक्सेप्ट नहीं किया और कहते हैं हम बाद में इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ ही जो एक और चीज़ है कि जो बीजेपी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी का अधिकतम प्रचार करने के लिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। सेना ने बनाया, दूसरे मंत्रालयों ने बनाया, अब रेल मंत्रालय को कहा गया कि आप रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट बनाओ, जहाँ लोग सेल्फी करें, अपनी फ़ोटो खींच सकें, उसको फिर अपलोड करें। तो ये लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।